जय हिंद दोस्तों, नॉलेज एट होम में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 26वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन 27 दिसंबर 2018 को कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर किसकी राजधानी? उड़ीसा की। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2018 का तानसेन सम्मान प्रदान किया गया? 2018 का तानसेन सम्मान प्रदान किसे किया गया? तो डी इसका राइट है, मंजू मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय की स्थापना का आदेश 26 दिसंबर 2018 को जारी किया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? ठीक है, तो उसमें पूछा क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है? तो बीस का राइट है, 214 अनुच्छेद है। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का क्या है, हाई कोर्ट एक ही था। तब करा क्या सरकार ने कि जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को एक अलग अपना हाई कोर्ट दिया है जो कि अमरावती में खुलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नागरिकों को भारत में खर्च करने की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये निर्धारित कर दी गई है? तो नेपाल इसका राइट है, 20 का। ठीक है, अभी नेपाल में हुआ क्या था, नेपाल ने अभी हमारे जो 200 रुपये के जितने भी करेंसी है, 200 का नोट हो गया, 500 का, 2000 का, वो बैन कर दिया था अपने देश में। ठीक है, और आपको नेपाल की राजधानी प्रधानमंत्री भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और बात करें हम पाकिस्तान की, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, श्रीलंका की जयवर्धनपुरम, और बांग्लादेश की क्या है, ढाका। ठीक है, अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के जो है प्राइम मिनिस्टर पीएम कौन है, पीएम है केपी ओली। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। ठीक है, जो कि दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने वहाँ की। पूरे ग्लोब का साइकिल से सबसे तेज गति से चक्कर लगाने वाली एशियाई कौन है? ठीक है, तो इसका बीस राइट बी राइट है, वेदांगी कुलकर्णी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम संगीत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम संगीत संग्रहालय स्थापित किया है, तमिलनाडु इसका राइट है। ठीक है, डी इसका राइट है, थिरुवैयार में। क्वेश्चन है, डब्ल्यू वी रमन को हाल ही में किसका कोच नियुक्त किया गया है? तो बीस का राइट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इनको कोच नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कार्यक्रम के लिए कितना व्यय का अनुमान किया गया है? तो बीस का राइट है, 10,000 करोड़ रुपये की लागत इसमें आएगी, और ये हमारा जो प्रोग्राम है 2022 तक कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2018 में भूटान के नए प्रधानमंत्री डॉक्टर लोटेस त्शेरिंग की भारत यात्रा के दौरान उनकी 22वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत कितनी वित्तीय सहायता घोषणा की है? ठीक है, तो 4,500 करोड़ रुपये उनको देगा। ठीक है, भूटान को भारत। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? ठीक है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में उच्च न्यायालय की स्थापना होगी? तो अमरावती में स्थापना होगी। ठीक है, टोटल भारत में जो है हाई पहले हाई कोर्ट कितने थे, 24 थे। ठीक है, बट अब क्या होगा कि अब अमरावती में एक नया बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना अभी से। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने उड़ीसा में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 जीता? ठीक है, किस देश ने उड़ीसा में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? तो ए इसका राइट है, बेल्जियम ने। ठीक है, बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराकर हॉकी जीता है। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, बेल्जियम इसका राइट है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल की दिसंबर 2018 में भारत यात्रा के दौरान भारत ने कितनी राशि का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? तो 1.4 अरब डॉलर पैकेज देने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ देश के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं? ठीक है, तो केरल इसका राइट है, केरल में कितने हवाई अड्डे हैं, 4 हवाई अड्डे हैं, याद रखना वैसे। अगला क्वेश्चन है, अरविंद सक्सेना हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुए? तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, यूपीएससी के वे अध्यक्ष हैं। ठीक है, अरविंद सक्सेना, याद रखना भी से इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी तो याद रखना, एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।